प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा ज्ञापन करें। हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। राज्य भिन्न প্রান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো কোভিড প্ৰটকলৰ মাজত পালন কৰা হৈছে গান্ধী জয়ন্তী। মহানগৰী গান্ধী মণ্ডপত উদযাপিত হৈছে জাতিৰ পিতাৰ 151 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। গান্ধী মণ্ডপত আয়োজিত গান্ধী জয়ন্তীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। গান্ধী মণ্ডপত উপস্থিত হৈ জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গান্ধী মণ্ডপৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা এয়া আমি দেখুৱাই গৈছো মহানগৰীটো। এনেধৰণে গান্ধী মণ্ডপত গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে বিগত সময়সমূহৰ দৰেই। আমি জাতিৰ পিতাক আজি দেশবাসীয়ে স্মৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে।